बर्नौलीज इक्वेशन। व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन फॉर एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कोस एंड स्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म पाइप, द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसमें यह बताया जा रहा है जी कि आप लोगों के पास एक ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कोस हो और जो उसका फ्लो हो वो स्टेडी हो, वो जब किसी नॉन यूनिफॉर्म शेप के क्रॉस सेक्शनल पाइप में से फ्लो करता है तो किसी भी पॉइंट पर उसका प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों चीज़ों का जो सम होता है वो हमेशा हमारे पास कॉन्स्टेंट रहता है। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म शेप पाइप, द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मैथमेटिकली दिस कैन बी राइट हैज पी इज इक्वल टू 1/2 रो वी स्केयर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इन दिस इक्वेशन 1/2 रो वी स्केयर इंडिकेटिंग काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड रो जी एच इंडिकेटिंग पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वी कैन ऑल्सो री राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, पी वन प्लस 1/2 रो वी वन स्केयर प्लस रो जी एच वन, दिस आर ऑल सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट वन इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट टू। वी कैन ड्राइव दिस रिलेशन। लेट्स सपोज दैट एन आइडियल फ्लूइड पासिंग थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म पाइप ऑफ डिफरेंट हाइट फ्रॉम द सर्फेसिस एंड एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शंस। द फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्रॉम एंड ए टू एंड बी with velocity v1 at end A and with velocity v2 at end B। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक आइडियल फ्लूइड है, वो हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म शेप में, नॉन यूनिफॉर्म पाइप में से फ्लो कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास इस पाइप का जो एरिया है वो ज़्यादा है, दैट इज़ ए वन, और अगर आप इस पॉइंट पे देखें तो इसका जो एरिया है वो ए टू जो कि स्मॉलर है। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो पाइप है ये फिर नॉन यूनिफॉर्म है, इसका जो एरिया है वो चारों तरफ हमारे पास सेम नहीं है। इसके अलावा इसकी जो हाइट है वो भी डिफरेंट है, जो इसका एरिया ज़्यादा है वहाँ पर जो हाइट है वो एच वन है और यहाँ पर अगर हम लोग सर्फेस हाइट देखें तो वो एच टू बन जाती है। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो ए वन से फ्लो करके जा रहा है टूवर्ड पॉइंट बी या ए टू की तरफ हमारे पास जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस जगह पर जो इसकी वेलोसिटी है पी वन के पास वो हमारे पास वी वन है और जब ये इस जगह पर पहुंचता है एट हाइट एच टू तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वो वी टू के इक्वल बन जाती है। सो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द फ्लूइड एट एंड ए, इस जगह पर जब ये फ्लूइड इसके अंदर इंटर होगा तो उस टाइम जो इसके पास फोर्स आएगी इन टर्म ऑफ प्रेशर वो इक्वल टू आ जाएगी पी वन ए वन के इक्वल आ जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे वर्क फाइंड करते हैं तो जो ये डिस्प्लेसमेंट है जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो डेल्टा एक्स वन है, तो फोर्स हमारे पास बन जाएगी एफ वन डेल्टा एक्स वन। अच्छा, अब हमारे पास जो फोर्स है ना वो होती है एफ डी कॉज ऑफ थीटा, तो ये हमारे पास बेसिकली यू बनती थी एफ वन डेल्टा एक्स वन कॉज ऑफ थीटा की फॉर्म में आती है। बट हेयर द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिग्री। हाउ? याद रखिएगा जिस डायरेक्शन में प्रेशर एक्ट कर रहा होता है फोर्स की डायरेक्शन भी वही होती है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रेशर इनसाइड की तरफ एक्ट कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि फोर्स भी इसी तरफ ही होगी, और आप अगर चेक करें तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास इसी तरफ ही है जिस डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी है। तो इस वजह से इनके दरमियान में जो एंगल है वो यहाँ पे जीरो डिग्री बनेगा, तो हमारे पास डब्ल्यू वन जो है वो एफ वन डेल्टा एक्स वन की फॉर्म में बन जाएगी। अब डेल्टा एक्स वन के साथ अगर आप देखें यहाँ पर उन्होंने एफ वन की वैल्यू पुट कर दी है तो उनके पास क्या बन जाएगा पी वन ए वन डेल्टा एक्स वन बन जाता है। सिमिलरली अपने वर्क टू फाइंड करना है एट हाइट एच टू, तो ये अपने के पास आता है माइनस पी टू ए टू डेल्टा एक्स टू। अब यहाँ पर नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क का फार्मूला है कॉस थीटा वहाँ पर थीटा 180 डिग्री बनता है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्लूइड बाहर वाली साइड पर फ्लो कर रहा है और जो प्रेशर है वो इन साइड पे एक्ट कर रहा है, तो जिस साइड पे प्रेशर एक्ट करता है फोर्स हमेशा उसी डायरेक्शन में होती है, और जिस साइड पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है फ्लूइड का उसी डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट अब आउटवर्ड है और फोर्स जो है वो इनवर्ड है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर एट हाइट एच टू। सो द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट,
180 डिग्री, एंड कॉस 180 इज इक्वल टू होता है माइनस वन के इक्वल, तो इस वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव साइन हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि नेगेटिव साइन शो दैट वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स। अब फोर्स देखें फ्लूइड की किधर कर रही है, इनवर्ड, और हम वर्क क्या कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट कर रहे हैं, फ्लूइड को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज द वर्क एट पॉइंट एट हाइट एच वन एंड हाइट एच टू। टोटल वर्क विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू वर्क, सो टोटल वर्क will be equal to W1 plus W2 के इक्वल बन जाता है। अब W1 की वैल्यू भी ऑलरेडी अपने पहले फाइंड की हुई है जी, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। सिमिलरली W2 की वैल्यू उनके पास नेगेटिव में आई थी, तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव आ जाता है। अब इन इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपने इस साइड पे T से मल्टीप्लाई भी कर दें, T से डिवाइड कर दें, सिमिलरली इस साइड पर भी T से मल्टीप्लाई भी कर दें और T से डिवाइड भी कर दें। अब इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर डेल्टा एक्स वन बाई टी लिखा हुआ है वहाँ पे आप वी वन लिख सकते हैं, और जहाँ पे डेल्टा एक्स टू बाई टी लिखा हुआ है वहाँ पे आप वी टू लिख सकते हैं। तो वर्क की जो इक्वेशन है वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, पी वन ए वन डेल्टा एक्स वन अवर टी की जगह पर वी वन आ जाएगा इन टू ये टी जो है ये अपनी जगह पर ही आएगा, फिर ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, फिर पी टू ए टू, अब इस डेल्टा एक्स टू बाई टी की जगह पर वी टू आ जाएगा और ये टी अपनी जगह पर ही आ जाता है जी। सो फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म शेप ऑफ पाइप रिमेन कॉन्स्टेंट एट एनी पॉइंट। सो ए वन वी वन इज इक्वल टू आ जाएगा ए टू वी टू के इक्वल, या फिर ये इक्वल टू सिंपल ए वी के इक्वल बन जाता है। तो आप वर्क की इक्वेशन में जहाँ पर ए वन वी वन लिखा हुआ है वहाँ, या ए टू वी टू लिखा हुआ है वहाँ पर आप लोग ए वी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इसमें अगर देखा जाए तो ए वी टी जो है ये कॉमन आ रहा है, आपने इस इक्वेशन में से इसको कॉमन निकाल लेना है जी। उसके बाद अब यहाँ पर ये जो टर्म लिखी हुई है ए वी टी, ये इंडिकेट करता है वॉल्यूम को। ये वॉल्यूम कैसे बनता है, यहाँ से मेरे बेटा अगर आप देखें तो वी वन और टी, या सिंपल v इंटू टी जो है वो डेल्टा x के इक्वल बन जाता है, और v इंटू टी की जगह पे आप डेल्टा x लिख दें, और आप किसी भी साइड को मल्टीप्लाई जब करते हैं वो एरिया के साथ आपके पास वॉल्यूम आ जाता है। तो इस तरीके से ए वी टी जो है वो इक्वल टू बेसिकली वॉल्यूम के बन जाती है। तो फिर हमारे पास जो वर्क इक्वेशन है वो बन जाएगी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वन माइनस पी टू इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो आपको अच्छी तरीके से पता है, डेंसिटी से अगर आप फाइंड करें तो मास पर यूनिट डेंसिटी बन जाती है, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करवा देंगे तो उनके पास ये वर्क की इक्वेशन बन जाती है, जिसे हम लोग इक्वेशन ए का नाम दे देंगे। उसके बाद दिस वर्क इज यूज्ड टू चेंज द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हमें अच्छी तरीके से पता था, प्रीवियस हम लोग देख चुके हैं इस चीज़ को जी, कि हमारे पास जो हाइट वन एच वन थी वो ज़्यादा ऊंची थी और हाइट एच टू जो है वो हमारे पास नीचे है। तो इसका ये मतलब है कि आप यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में या फिर पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये जो वर्क है ये बेसिकली इसी के अंदर यूटिलाइज्ड हो रहा होता है। सो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर वन। हम यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पॉइंट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। दिस इज इक्वल टू वन बाई टू एम वी टू का स्क्वायर माइनस वन बाई टू एम वी वन का स्क्वायर। याद रखिएगा मास ऑफ द फ्लूइड जो है वो हमारे पास सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता हमारे पास, वेलोसिटीज की हमारे पास चेंज होती है दोनों पॉइंट्स के ऊपर जी। और वी वन जो वेलोसिटी थी वो हाइट एच वन पर थी, और वी टू जो वेलोसिटी है ये हाइट एच टू पर है। इसे आप इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दें। उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब लोग इस इक्वेशन नंबर वन के लिए देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। दिस इज इक्वल टू एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। दिस इज इक्वेशन नंबर सी। अब आपने क्या करना है जी, आप लोगों ने इक्वेशन नंबर वन के अंदर वर्क की जगह पर इक्वेशन ए पुट कर देनी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर इक्वेशन बी पुट कर देनी है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर इक्वेशन सी पुट कर देनी है। तो बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन वन, सॉरी यहाँ पे सेवन लिखा हुआ है, ये इक्वेशन वन है, आपने इक्वेशन नंबर वन के अंदर पुट कर देना है यहाँ पर जी। सो पी वन माइनस पी टू रो ओवर एम ओवर रो बन जाएगा, वर्क की जगह पर पुट कर दिया है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह पर आप लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर आप लोगों ने ये वैल्यू पुट कर दी है। इन सौरों में से आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से आप लोगों ने एम को कॉमन निकाल लिया है, और इस एम को फिर आप लोगों ने इस एम के साथ कैंसिल कर देना है। तो आपके पास इस फॉर्म की क्वेश्चन बन जाती है। अब जब इसको कैंसिल करेंगे, ये रो इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रो इन टू वन ओवर टू वी टू का स्क्वायर माइनस वन ओवर टू वी वन का स्क्वायर प्लस जी एच टू माइनस जी एच वन हमारे पास बन जाता है। इस रो को आप लोग इन साइड पर मल्टीप्लाई करवा दे तो हम लोग के पास कुछ इस फॉर्म की इक्वेशन
बन जाती है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जितने भी हमारे पास सेम पैरामीटर्स की इक्वेशंस हैं उन सबको आप लोगों ने एक साइड पे कर लेना है, मतलब जितनी इक्वेशंस के सबस्क्रिप्ट में वन